हाय गाइस, तो आज मुझे आपको बताना है समथिंग अबाउट एआई, समथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी। लेकिन प्राइमरीली मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना। तो आपने यू बीन हियरिंग के क्या है ये बिटकॉइन क्या है और आपकी ये रिपल क्या चीज़ है। तो एक्चुअली ये जो है वो क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब बिटकॉइन जिस तरह जिस बंदे ने निकाली थी, इसी तरह रिपल इस बंदे ने निकाली है। अब बिटकॉइन में ये होता है कि यू हैव टू बाय अ माइनर फॉर दैट। रिपल में भी मेरे ख्याल से आपको यही करना पड़ता है, लेकिन रिपल जो है उसकी शायद जो प्रोसेस होती है माइनिंग वो काफ़ी ईजी होती है। तो बिटकॉइन जो है, एनीवेज बिटकॉइन अभी भी अच्छी स्टैंडर्ड की करेंसी है। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं, US डॉलर होता है, कैनेडियन डॉलर होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, इसी तरह जो है आपकी ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज हैं। तो इनकी कोई एज सच वो नहीं होती, एग्जिस्टेंस नहीं होती, जर जस्ट देर। तो ये आपकी क्रिप्टो करेंसी है। तो रिपल के बाद स्टेलर भी आ चुकी है, और रिपल का जो फाउंडर है, यू विल बी अमेज्ड बाय नोइंग के उसकी जो नेटवर्थ है वो जैक मा से एक्सीड हो चुकी है, जस्ट बिलो द मार्क जुकरबर्ग्स नेटवर्थ। तो प्रोबेबली वो फिफ्थ या सिक्स रिचेस्ट बंदे के जो आपका बिलियनर है उसमें आता है वो बंदा। तो उसने क्या किया था कि रिपल जो है जब इंट्रोड्यूस कराई थी तो उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ा। 4 ईयर्स तक जो है वो बंदा जो है उसके पीछे पेशेंटली उसकी मार्केटिंग में लगा रहा। तो फाइनली आफ्टर 4 ईयर्स वो फिर अप्रूव हुई, जापनीज बैंक्स ने अप्रूव की, अमेरिकन बैंक्स ने, गवर्नमेंट्स ने अप्रूव की। तो उस रिपल जो है वो ऊपर आया, फिर लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया उसके ऊपर। तो इसी तरह से जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, आई डोंट नो, मे बी पॉसिबल जो फ्यूचर जो दौर है वो क्रिप्टो करेंसीज का है। क्योंकि अभी अब यू एवरी न्यूज़, आज की जितनी न्यूज़ है, कल की जितनी न्यूज़ है, द डे आफ्टर टमोरो और द प्रीवियस डे, आपने उसमें कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहां आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में ना सुने। तो इन ईजी वर्ड्स, इट्स द फ्यूचर। ठीक है, तो यू कैन नॉट डिनाई कि वो फ्यूचर नहीं है, इट इज़ द फ्यूचर। आप देख रहे हैं, आप कितना भी उसको मतलब सॉर्ट ऑफ कहना चाहिए कि इग्नोर कर लें, इट इज़ द फ्यूचर। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान में भी बहुत सारे बंदे बिटकॉइन जिस तरह है, बिटकॉइन की माइनिंग बहुत सारे बंदे कर रहे हैं पाकिस्तान में। एक आज़ाद चाय वाला शो है, यूट्यूब चैनल है उनका, उन्होंने बताया कि उन लोगों ने 3 लाख रुपए का सेटअप लगाया और उन्होंने $28 इन्वेस्ट किए हैं। आई मीन $28 वो जनरेट करते हैं उन पर डे। ठीक है, तो उन्होंने किया ये, उन्होंने 6 से 7 उन्होंने एक जिस तरह ये आपकी टेबल रखी हुई ना यहाँ पे इस साइज़ की, उन्होंने ली है एक रिग कहते हैं उसको, मतलब एक लकड़ी का बना हुआ फ्रेम है, उसमें 6 से 7 एनवीडिया 1060 उन्होंने बाय किए हुए। सही है, वैसे तो उन्होंने बताया था कि उस पर्पज़ के लिए AMD का एक कार्ड होता है 560 सीरीज़ आई गेस, लेकिन उन्होंने एनवीडिया यूज़ किया हुआ 1060 के 6 से 7 कार्ड्स हैं, और जिस तरह काफ़ी डिस्टेंस से लगे हुए हैं, उन्होंने हैंग किए हुए हैं उसको स्क्रू से माउंट करके, ड्रिल से 6 से 7 वो रखे हुए हैं, मतलब पैरेलली इस तरह से उन्होंने रखे हुए हैं। नीचे जो है उन्होंने मदरबोर्ड रखा हुआ है कोई भारी किस्म का, उसके अंदर रैम शेड फिट की हुई है 16 GB, पर SSD लगाई हुई है। SSD आपको पता है, इट्स 100 times faster than the ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव, तो वो लगाया हुआ उन्होंने। और उसके अलावा जो है उसके अंदर पावर सप्लाई लगी हुई है कोई भारी किस्म की, क्योंकि जो आपके 1060s लगे हुए 6 से 7 वो इतनी हीट जनरेट करते हैं और उनको पावर भी चाहिए। सही है, तो उसके ऊपर एक AC भी लगा हुआ है। तो कुल मिला के उन्होंने बताया था कि 3 लाख रुपए का सेटअप, और ऑफकोर्स एक PC जो है, मतलब एक पूरा एक वो है मदरबोर्ड और सारी चीज़ें मिलाकर एक पूरा एक यूनिट है। तो काफ़ी बड़ा यूनिट है, आप समझ लें एक सॉर्ट ऑफ मेन फ्रेम तो नहीं, मिनी कंप्यूटर भी नहीं, एक अच्छा स्टैंडर्ड का कंप्यूटर भी नहीं कह सकता उसको, मतलब रूम के साइज़ का तो नहीं हुआ, मतलब मिनी कंप्यूटर्स रूम के साइज़ के होते हैं आई गेस, लेकिन वो यार इस टेबल के साइज़ का है, तो
कंप्यूटर, और उसमें 6 से 7 1060 लगे हुए हैं, तो भाई कोई भारी चीज़ होगी ऑफ कोर्स। तो एनी वेज वो उन्होंने दिखाया, फिर उन्होंने स्टैट्स दिखाई पेपर में कि यार ये देखो मेरी $28 जो है वो माइनिंग की जो है वो है। उन्होंने अपनी बैलेंस शीट दिखाई, जो भी वो उनके ऑफिस की जो शीट थी, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि कुल मिला के उन पर डे जो है वो $28, जो माइनिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपको जो ये आपका पूरा कंप्यूटर जो है वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम सॉल्व करता है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करता है भारी किस्म की, तो इसलिए इतनी प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होती है। तो वो उन्होंने दिखाया। और फिर एक ओकाड़ा से एक बंदा था, उसने S7 Edge आपका मेरे ख्याल से कितने का, 40,000 रुपये का एक माइनर है, सही है वो, ये जो रखा हुआ है प्रिंटर इससे थोड़ा सा छोटा है, मतलब सॉर्ट ऑफ समझ, इससे थोड़ा सा छोटा है और बल्कि है थोड़ा सा, और उसके अंदर एक पावर सप्लाई भी रखती है जिसमें 10 तारें निकलती हैं और मतलब कनेक्ट होती हैं, 10 पिन्स होती हैं, 9 पिन्स होती हैं उसकी माइनर्स की, 9 माइनर्स हैं, मतलब एक माइनर के अंदर 9 सब माइनर्स दिए हुए और एक उसकी पावर सप्लाई की बन गई है। तो वो जो है उसने कनेक्ट करके लैपटॉप से माइनर पूल होता है, एक पूल आप जाके F2 पूल से उसने शायद रजिस्टर किया हुआ था, F2 पूल से वो माइनिंग कर रहे हैं। तो उसकी जो जो पूरा सेटिंग का प्रोसेस था और वो वीडियो बनाने का जो उसका प्रोसेस था, उसके ड्यूरेशन में ना उसके 0.00143 डॉलर्स जो है वो जनरेट हो चुके। तो ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट ए फेक स्टोरी, आप इसकी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं और आपके सामने है। इवन आपने ज़िया साहब जो हैं आपके जो कंप्यूटर साइंस के, कहना चाहिए बहुत बड़े मतलब अच्छे बंदे हैं, काफ़ी मतलब रिप्यूटेबल बंदे हैं, तो उन्होंने भी वो उनकी भी आप देख लें, अभी फेसबुक की आज की फेसबुक की पोस्ट देख लें, कल की देख लें, आपको क्रिप्टो करेंसी इसकी आपको इन्वॉल्वमेंट उसमें नज़र आएगी। तो पता नहीं ज़िया साहब माइनिंग करते हैं नहीं करते, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रॉबेबली करते होंगे जब भी उनकी पोस्ट आ रही है इस तरह की। तो ये आपका क्रिप्टो करेंसी का जो बिज़नेस है, आई थिंक दिस इज़ द फ्यूचर बिज़नेस कह लें, या एक तरह से जो भी माइनिंग प्रोसेस है, इट इज़ द फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर तो रिस्की भी है, रिस्की इन द सेंस इस तरह के बिटकॉइन कोई किसी की भी स्टेटमेंट आ जाती है किसी प्रेसिडेंट की या कुछ भी, तो ये मार्केट जो है ना वो उनके शेयर्स अप और डाउन होते रहते हैं। तो पर्सनली मैंने तो अभी स्टार्ट नहीं की, लेकिन मेरा इंशाल्लाह इरादा है, मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, मेरी वॉच लिस्ट में, तो इंशाल्लाह ये है। लेकिन फिर 5-6 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं और क्या है, लेकिन यही है कि मसला सारा अराइज ये होता है, उसके लिए जो है मुझे एक और वीडियो बनानी है, क्या क्या करें। तो ये था, अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा मुझे AI के बारे में बताना है और एक और टॉपिक है कि हाउ कैन यू नो टेक योर यूनिवर्सिटी एंड योर साइड बिजनेसेस एट द सेम टाइम, विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल।